कौन है जो था गया मेरा इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम बोल इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन जान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद और आज फाइनली इंतजार का घड़ी वो खत्म हो गई। फाइनली नदीम सरवर का नोहा रिलीज हो गया है, आ गया है। इस नोहे का टाइटल है गाइस मेरे इमाम हुसैन, और ये 2024 का पहला नोहा है नदीम सरवर का, जो काफ़ी लोग इंतजार करते हैं नदीम सरवर का नोहा का, और बेस्ट इन बेस्ट होता है इनका नोहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नोहे को, सुनते हैं क्या इस नोहे में कुछ खास है, नदीम सरवर इस बार क्या लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। एनएस सलाम या हुसैन, या हुसैन 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 नया इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम सबको खबर है सबको पता है फिर भी है लाज़िम याद दिलाना याद दिलाना याद दिलाना याद दिलाना हो चुका है फैसला यही कह दिया ऐसा जमाने में कोई आ नहीं सकता कौन है वो बादशाह मेरा इमाम हुसैन कौन है वो बादशाह मेरा इमाम हुसैन ऐसा जमाने में कोई आ नहीं सकता कौन है वो बादशाह मेरा इमाम हुसैन कौन है वो बादशाह का नवासा मेरा मौला हैदर करार का बेटा मेरा मौला कितनों की धड़कन में धड़कता मेरा मौला कितनों के घर का है उजाला मेरा मौला नाज़े अली मुर्तज़ा जानो दिले फातिमा शान हुसैन और कोई जा नहीं सकता वारिस सल्ले अला वारिस सल्ले अला बोल इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम बोल इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन मेरा दिल दे ज़बाना हद जा मौला हुसैन मेरा दिल है मेरा सारा जहां मौला हुसैन हुसैन इमाम हुसैन या हुसैन इमाम हुसैन अरब बला सल्तनत इश्क खुदा है सैयद सादात की मेहनत का सिला है जब से कदम माले मोहम्मद ने रखा है खाक भी इस शहर की अब खाक शिफा है वाली करबो बला वारिस खाक शिफा का नजारा कौन है वो रहनुमा मेरा इमाम कौन है वो रहनुमा बोल इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम बोल इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम कर कहो मोमिन आशूर व
वो सहरा सामना लाखों से बहत्तर का हुआ था। काम वो शब्बीर ने फिर करके दिखाया, एक ने 9 लाख के लश्कर को हराया। काम बड़ा कर दिया, मरहबा सद मरहबा, मिलाया। कौन था वो सूरमा, मेरा इमाम। कौन था वो सूरमा, मेरा इमाम। बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम। बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। मेरा फिरद ज़बाना हत जा मौला हुसैन, मेरा दिल है मेरा सारा जहां मौला हुसैन। हुसैन इमाम हुसैन, या हुसैन इमाम हुसैन, या हुसैन। इस तरह शब्बीर ने वादे को निभाया, रब की रजा के लिए घर बार लुटाया। प्यारे फिदा कर दिए, कुछ भी न बचाया। इश्क खुदा क्या है ये दुनिया को बताया। बोल उठा सारा जहां, आप सा कोई कहां। नाम लो वो कौन था, मेरा इमाम। नाम लो वो कौन था, मेरा इमाम। बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम। बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम। कर का हो मोमिनो, मेरा है मेरा हुसैन, कौम की है रुतबा तो कोई पा नहीं सकता। अरे बनके हुसैन और कोई आ नहीं सकता, ऐसी मिसाल और कोई ला नहीं सकता, इतनी बुलंदी पे कोई जा नहीं सकता। एक है बस एक था, एक रहेगा सदा। अरे कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता। कौन है जो छा गया, मेरा इमाम हुसैन। कौन है जो छा गया, मेरा इमाम। बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम। बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। मेरा फिरद ज़बाना हत जा मौला हुसैन, मेरा दिल है मेरा सारा जहां मौला हुसैन। हुसैन इमाम हुसैन, या हुसैन इमाम हुसैन। मौला को सदमों से गुजरते हुए देखा, भाई को बेटों को बिछड़ते हुए देखा, जान से प्यारों को तड़पते हुए देखा, सामने गुलशन को उजड़ते हुए देखा। वाह कलेजा तेरा, वाह तेरा हौसला, नहीं सकता। याद रहेगा सदा, मेरा इमाम हुसैन। याद रहेगा सदा, मेरा इमाम हुसैन। या हुसैन, मेरा इमाम हुसैन, मेरा इमाम हुसैन, मेरा इमाम हुसैन, मेरा इमाम हुसैन। आए सर कर वो बला जिसको सुकून मिला नहीं, जिसका तो कुछ रहा नहीं, जिसका तो कुछ बचा नहीं। मेरा इमाम हुसैन, मेरा इमाम हुसैन। आँखों से जो दबा नहीं, मौत से जो डरा नहीं, जिसका वो सर कट गया कट के भी सर झुका नहीं। मेरा इमाम हुसैन, मेरा इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, या हुसैन, इमाम हुसैन, या हुसैन, बेकफ़ान, इमाम हुसैन, या हुसैन, बेवतन, इमाम हुसैन, या हुसैन, खस्तदान, लहू बदान, बेकफ़ान, बेवतन, अजान मान, शह-ए-ज़मान, हुसैन, शह-ए-ज़मान, हुसैन।
नदीम सरवर नोहा, जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, नदीम सरवर का नोहा। और वाकई में मतलब इनका नोहा ज़बरदस्त होता है, अनबिलीव विश्वास नहीं होता है, इनका नोहा इतना बढ़िया होता है कि लोग इंतज़ार करते हैं नदीम सरवर का नोहा का, आने वाले नोहा का। इनका नोहा में दर्द भी होता है, जोश भी होता है, और हकीकत बताते भी हैं नदीम सरवर जी ने। काफ़ी अच्छा नोहा है इनका 2024 का, काफ़ी अच्छा लगा मेरे इमाम हुसैन, वाकई में बहुत मज़ा आया इस नोहे को सुन के। और इमाम हुसैन को करबला में 40 दिन तक कफन नहीं मिली थी, इसने लास्ट में मतलब कुछ गौर से सुनिएगा उस वर्ड बता रहे थे, मतलब बे कफन बे वतन, ना उनका वतन था ना उनका कफन मिला था, कफन तक नसीब नहीं हुआ था उन लोगों को 40 दिन तक, जो 40वां मनाया जाता है 40 दिन होता है, 40 दिन बाद उनको 40 दिन में उनको कफन मिला था, दफन हुआ था। 40 दिन करबला में लाश बिखरी हुई थी, उनको मतलब जितने घर वाले गए थे, जैनुल आबिदीन बचे थे उनके बेटे, उनको कैदी बना के और वाली सकीना सबको कैदी बना के उन लोगों ने ले गया संगे संग इजीत, मतलब इजीत के पास दिखाने के लिए, उनका सर मुबारक इमाम हुसैन का ले के गए वहाँ दिखाने के लिए उन लोगों को। और लाश बिखरा पड़ा था, घोड़े रौंद दिए थे पूरे लाश को, क्या मंजर होगा। इसलिए मुहर्रम आती है ना तो गम उभर जाता हमारी। और लोग कहते हैं क्यों मुहर्रम करते हो, क्यों मातम करते हो, क्यों नोहा खानी करते हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये गलत है तो क्या वह हराम के जो गाने होते हैं लोग 12 महीना 24 घंटा जो गाना सुनते हैं वो क्या मुसलमान है? वो तो मुसलमान नहीं हो सकते। अगर हम नोहा सुनते हैं, मजलिस करते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, ये गलत है, ढोल बजाते हैं ये गलत है, तो जो गाना सुनते हैं वो क्या है, मुसलमान है वो? हकीकत में अगर मुसलमान है तो कमेंट करके बताइए मुझे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जब भी मुहर्रम आता है ना, इजीत के औलाद रोड पे निकल जाते हैं, जैसे बरसाती कीड़े होते हैं ना बरसात में निकलते हैं बाहर छोटे छोटे, उसी तरह जब मुहर्रम आती है ना तो इजीत के औलाद छोटे छोटे जो औलाद होते हैं ना, जितने औलाद नजायज औलाद सब, वो बाहर आ जाते हैं, फतवे स्टार्ट हो जाते हैं उनके, चाहे सुन्नी हो या देवबंदी हो या अहले हदीस हो, कोई भी हो, सब फतवे लगाते हैं। असल में वो कुछ जानते भी नहीं है, नहीं पता है। मैं पूछता हूँ, मुहर्रम पहले आया कि कुरान पहले आई थी? कुरान पहले आई थी ना, कुरान में किससे लिखा, किसने लिखा था ना इमाम हुसैन का कत्ल होगा, शहीद होंगे, बाद में ना सब कुछ हुआ, गम मनाने लिखा हुआ था ना, अपने बाप मर जाए तो मातम ऐसे करते सीना पीट पीट के, आले मोहम्मद का कोई गम नहीं, जिनकी वजह से आज तुम हो, जिसकी वजह से आज यहाँ इस्लाम बचा है, आज इस्लाम को बचा कर रखे, क्या बचाए हो तुम, 5 वक्त नमाज पढ़ने नहीं जाते हो और कहते हो इमाम हुसैन का गम नहीं मनाना चाहिए, तुम सीना ठोक के कहते हो या हुसैन, हम ठीना ठोक के कहते हैं हाय हुसैन। जब भी इमाम हुसैन का करबला का याद आती है ना, आंख से आंसू निकलते हैं, तुम वो नजायज औलाद हो इज़्ज़त के, जो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुहर्रम के 10वीं तारीख को तुम बिरयानी बनाते हो घर में, नए नए पकवान बनाते हो, कहाँ चले गए वो दिन जो पुराने कपड़े पहनते थे, जमीन पर बैठना पसंद करते थे लोग, खिचड़े बनते थे, नए नए पकवान बनते हैं, कहाँ का फैशन आ चुका है, क्या मुंह दिखाओगे जहरा बीबी फातिमा जहरा को, क्या मुंह दिखाओगे जन्नती सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को? सोचो थोड़ा, सोचो मुसलमानों, कहाँ हो, कहाँ तक पहुँचे हो। चलिए फिर मिलते हैं एक और न्यू रिएक्शन वीडियो लेके, तब तक के लिए गाइस, गरीफी अमान अल्लाह, जजाकल्लाह खैर।